आपको बताएं कि वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ के खिलाफ आशियाना हाउसिंग स्कैंडल का मामला है। नैब को आशियाना हाउसिंग के ठेके देने के अमल में बदअनवानी के सबूत नहीं मिले। नैब ने शहबाज शरीफ की बरी की दरख्वास्त पर जवाब एहतसाब अदालत में जमा करवा दिया है। मजीद बताएंगे मोहम्मद अशफाक। बताए अशफाक जी। बिल्कुल, लाहौर की एहतसाब अदालत में शहबाज शरीफ ने बरियत की दरख्वास्त दायर की थी और अब नैब ने बरियत की दरख्वास्त पर अपना जवाब जमा करवाते हुए वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को आशियाना हाउसिंग स्कैंडल में बेगुनाह करार दे दिया है। और अपने जवाब में नैब ने ये कहा है कि आशियाना हाउसिंग के ठेके देने के प्रोसेस में कोई बदनवानी साबित नहीं हुई, ना ही आशियाना प्रोजेक्ट शुरू करते वक्त सरकारी खजाने को कोई नुकसान पहुंचा और ना ही शहबाज शरीफ ने कोई फवायद हासिल किए। नैब के जवाब में यह भी कहा गया है कि शहबाज शरीफ के खिलाफ इख्तियारात के नाजायज इस्तेमाल के भी कोई सबूत नहीं मिले। आशियाना स्कैंडल में शहबाज शरीफ के खिलाफ बदनीति का कोई पहलू नहीं। रिकॉर्ड और शवाहिद से ये बात साबित होती है कि किसी पब्लिक ऑफिस होल्डर ने किसी किस्म के कोई फवायद हासिल नहीं किए। कामरान कियानी और फवाद हसन फवाद ने भी इस हवाले से सरकारी खजाने को कोई नुकसान नहीं पहुँचाया। इस हवाले से नैब की जाने से ये कहा गया है कि एहतसाब अदालत इस हवाले से कानून के मुताबिक शहबाज शरीफ की बरियत की दरख्वास्त पर फैसला सुनाए। बहुत शुक्रिया अशफाक।